नमस्कार, बीच बहस के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विशेष इसलिए कहा क्योंकि इस देश में बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी बोलियां हैं। कहते हैं कि हर 2 किलोमीटर पर 2 मील पर बोली बदल जाती है, लेकिन अब भाषाओं की बात करें, देवनागरी लिपियों की बात करें, तो सबसे ऊपर क्रम में अगर कोई आती है तो वो है देव भाषा संस्कृत। हम आज इस कार्यक्रम में बैठे हैं क्योंकि हम लोग उस संस्कृत दिवस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही भारत के शिखर बिंदु पर विराजित जम्मू कश्मीर में संस्कृत साहित्य की परंपरा कैसी रही है उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि संस्कृत का जब नाम आता है तो कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि ये देव भाषा है, लेकिन ये देव भाषा आज केवल क्या कर्मकांड की भाषा होकर के रह गई है, या फिर स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए भाषा होकर रह गई है, या फिर इसमें जो विज्ञान है उस विज्ञान को सही अर्थों में कोई समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। और अगर समझाने की कोशिश कोई करता है तो उसे बता दिया जाता है कि भाई तुम जो हो वो पुरातन पंथी हो। आखिर संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं, किस लिए यह संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में संस्कृत साहित्य की खास परंपरा कैसी थी, इस बारे में आपसे बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ में नीतीश गोयल और हमारे साथ में है शास्त्री कौशलेंद्र दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशलेंद्र जी। नमस्कार। आप जगतगुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हैं और दर्शन के बड़े खास विद्वान हैं। आज आपसे जानेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। कौशलेंद्र दास जी, जब हम संस्कृत दिवस की बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि एक हिंदी दिवस भी है, एक संस्कृत दिवस भी। हालांकि ये दिवस की परंपरा हिंदुस्तान से कम और विदेश से ज्यादा प्रचलित है, लेकिन कुछ दिवस हम लोगों ने अपने भी बनाए हैं जिसमें संस्कृत दिवस भी आता है। थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर्वादौ तो अहम सर्वेभ्यः संस्कृत दिवसोपरि शुभकामनाः प्रस्तौमि। निधि जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि संस्कृत भारत की उस समृद्ध परंपरा की वाहक है जिस परंपरा पर पूरा देश, पूरा राष्ट्र हजारों वर्षों से गर्व करता आ रहा है। और इसी संस्कृत भाषा में निबद्ध वे ग्रंथ, वेदादि ग्रंथ, रामायण महाभारत आज तक भारतीय समाज को अपनी संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। और संस्कृत दिवस इसीलिए भारत सरकार के ख्याल में आया कि संस्कृत भाषा जनमानस की भाषा बने, संस्कृत भाषा का प्रचार हो, प्रसार हो, उसे बचाया जाए, उसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के एक दिन को आरक्षित किया जाए। और इसीलिए मैं सबसे पहले स्मरण करता हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जिनके समय 1969 में पहली बार तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री वीके आरवी राव, जो कि बहुत ही विद्वान शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने संस्कृत दिवस मनाने का सरकारी परिपत्र 1968 में जारी किया। और ये गौरव की बात है कि हम लोग पिछले 40 वर्षों से संस्कृत दिवस मनाते आ रहे हैं। यह जरूर जानने की बात है कि जिस तरह से हिंदी दिवस के लिए तो सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर का दिन आरक्षित है, क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा एक तरह से माना गया था। लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे सरकारी कार्यक्रम हैं, जिस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस हमेशा 15 अगस्त को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, शहीद दिवस महात्मा गांधी के स्मरण में, पुण्य स्मरण में हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन संस्कृत दिवस अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाया जाता। ये एक बहुत अल्पज्ञात तथ्य है जो दर्शकों तक मैं मेरी बात को पहुँचाना चाहता हूँ। संस्कृत दिवस हमेशा विक्रम संवत्सर के श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अच्छा। वह एक दिन और 3 त्योहार होते हैं, उसी दिन रक्षाबंधन होता है, उसी दिन श्रावणी उपाकर्म होता है। वैदिक विप्रगण तीर्थों में जाकर के यज्ञोपवीत का पूजन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तीर्थों का पूजन करते हैं, जिसे श्रावणी कर्म कहा जाता है, उपाकर्म कहा जाता है। और उसी के साथ आकर के भारत शासन और राजस्थान सरकार का यह एक पर्व जो 40 वर्षों से जुड़ गया है वह है संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस मनाने के पीछे मुख्य जो आधार रहा वो डॉक्टर वी के आर वी राव साहब ने लिखा उस समय, जिसमें महाराजा करण सिंह जी सदस्य थे। उन्होंने लिखा है कि हमारा देश, हमारी नई पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी संस्कृत को बिसारे नहीं। संस्कृत में जो एक अलौकिक साहित्य,
ऋषियों का जो एक अमर चिंतन, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला जो एक ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का भंडार संस्कृत में निहित है, वह लोगों तक फैलता रहे, लोगों तक पहुंचता रहे। और इसलिए संस्कृत को हम लोग 365 दिन याद करें, तथापि एक विशेष दिन संस्कृत के लिए बना दिया गया, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के संस्कृत के लोगों का सम्मान करें, संस्कृत में जो नए काम हो रहे हैं उनकी चर्चा करें और युवा पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ें। युवा पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ना वाकई में बड़ा अच्छा है, लेकिन जब बात करते हैं संस्कृत की और संस्कृत में आविष्कार, क्योंकि वेदों की बात आती है, उपनिषद की बात आती है, इनकी सभी की भाषा संस्कृत है और उसमें कई सारे आविष्कार भी हमें देखने को आते हैं जो रेफरेंसेस के साथ में भी लिखे हुए हैं। लेकिन जब उनकी बात आती है तो शास्त्री जी कई बार लोग दकियानुसी करार देते हैं कि भाई तुम पुरातन पंथी हो, ऐसे मैंने शुरुआत में भी कहा, तो उन लोगों से कैसे निपटा जाए और उन्हें कैसे डंके की चोट पर बताया जाए कि हम जो कह रहे हैं वो पुख्ता प्रमाण के साथ सत्य कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो लोग दकियानुसी संस्कृत वालों को कह देते हैं, यह बात तो नासमझी के कारण खड़ी हुई है। संस्कृत ने क्या आविष्कार किया और संस्कृत ने क्या दिया, भारत को नहीं दिया, पूरे विश्व को दिया। हम देखिए, आज भारत पिछले 4-5 वर्षों में या पिछले कई दशकों में भारत अपना सीना तान करके पूरे विश्व के सामने खड़ा है और बताता है कि भारत ने केवल भारत को नहीं बल्कि विश्व को जो चीज़ दी है, ये जान के बहुत हैरत और गौरव होता है कि उसमें सर्वाधिक जो भी पदार्थ दिए गए हैं वे सब संस्कृत से दिए गए। हम उदाहरण के लिए 21 जून की बात करते हैं, विश्व योग दिवस, ये योग किसकी पैदाइश है? ये योग संस्कृत के महर्षि पतंजलि की पैदाइश है। अभी कुछ दिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल जी ने एक बयान दिया कि संसार का जो मूल कारण है, जब सृष्टि बनी होगी हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पहले, तो उसके मूल में कहीं ना कहीं परमाणु रहे होंगे। यह परमाणु कारणवाद कौन मानता है? यह परमाणु कारणवाद स्वीकार करते हैं न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, महर्षि गौतम और महर्षि कणाद। आप देखिए ना, महर्षि चरक, आपको जान के आश्चर्य होगा कि नाक की सर्जरी आज भी पूरे विश्व में की जा रही है, जिस पद्धति से की जा रही है वह आयुर्वेद की पद्धति है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद भारत ने दिया, एक भाषा शास्त्र भारत ने दिया, योग भारत ने दिया, वास्तु भारत ने दिया, कर्मकांड भारत ने दिया, ज्योतिष भारत ने दिया। तो ये इतनी हैरत की चीज़ें। आज जो चंद्रयान हम प्रक्षेपण हम लोगों ने किया पिछले महीने की 22 तारीख को, ये कितने बड़े गौरव की बात है कि विज्ञान का तात्पर्य सिस्टमेटिक नॉलेज इन साइंस, प्रक्रियात्मक एम ज्ञानम विज्ञानम। जो प्रक्रियात्मक ज्ञान ऋषियों ने प्रारंभ किया, उसी प्रक्रियात्मक ज्ञान को हमारे वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इसरो के साइंटिस्ट कई बार इस बात को कहते हैं कि वेदादि शास्त्रों में, पुराणों में जो बात लिखी हुई है, हम उसको आधार बना करके आगे रिसर्च कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए नासा की साइट के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है, नासा ने कहा कि संस्कृत में गुथे हुए वेद ग्रंथ, उनमें अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, भूगोल के बारे में हमें पहले पहल जानकारी प्राप्त होती है। ये अच्छी बात है कि उसको आधार बना करके नासा के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक आगे काम कर रहे हैं और देश की उन्नति हो रही है, नए शोध हो रहे हैं, नया अनुसंधान हो रहा है। इसलिए संस्कृत को एकदम नकार देना, मैं समझता हूँ ये भारी भूल है और इस भूल से बचना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली भूल से बचना भी चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि नासा में इसको आधार बना करके चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज हम लोग ये देखते हैं कि उस आधार को हम मजबूत कैसे बनाएं, उसको पैलेट का फॉर्म कैसे दें जिससे कि एक व्यक्ति यहाँ से उधर जा सके, वो पैलेट, वो आधार मजबूत कैसे होगा? क्योंकि किसी न किसी तौर पर शास्त्री जी हम लोग देखते हैं तो अपने ही देश में अगर अपनी ही सरकारें किसी न किसी देखते कि पहले कभी तृतीय भाषा के तौर पर संस्कृत जानी जाती थी, आज लोग बाग जर्मन ले लेते हैं, फ्रेंच ले लेते हैं, जापानीज ले लेते हैं, और केवल इस देश में जाने होगा तो आज उसका जो प्रमाण पत्र है और ये काम में आएगा, चाहे वो 3-4 महीने की भाषा से काम नहीं चलने वाला है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो लोगों के मन में, उस युवा पीढ़ी के मन में संस्कृत के प्रति उत्साह कैसे आएगा? मुझे लगता है कि ये भारतीय जनमानस के भीतर वर्षों में एक जो ये कि संस्कृत की बजाय फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखनी चाहिए, कोई भी भाषा कमजोर नहीं होती, उस भाषा का अपना समृद्ध साहित्य होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि संस्कृत के साथ जो दूसरी भाषाओं को या भारतीय भाषाओं के साथ जो दूसरी भाषाएं पढ़ते हैं वे तुलनात्मक अध्ययन बहुत बेहतर कर पाते हैं, यही विश्वविद्यालय में हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको इसके साथ ये गौरव की बात बताना चाहता हूं कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 3 मानित विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, 2 दिल्ली में है और 1 तिरुपति में है। उसके साथ ही जयपुर में राजस्थान सरकार का जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है।
वहाँ पर तमाम विदेशी लोग आकर के काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और वो इस बात को बता रहे हैं कि जीभ के बोलने के उच्चारण के स्थान से यह प्रतीत होता है कि संस्कृत सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, और उसका ये प्रमाण हुआ। जैसे हम अंग्रेजी की बात करते हैं, आप चमत्कार देखिए, अंग्रेजी में त एक अक्षर है, जैसे हम लोग तरबूज बोलते हैं तलवार, तो तवा होता ही नहीं है, इसलिए वो लोग तलवार बोलने लगेंगे, जबकि जीभ का और मुख का जो उच्चारण का पूरा स्थान है वो संस्कृत वाला इतना जोरदार बोलेगा, जब संस्कृत वाला बोलेगा तो पूरे भाषा विज्ञान का और उच्चारण स्थान का प्रयोग करेगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक शब्द बोलता हूँ, आपको बड़ा रोचक लगेगा। देखिए आप, यह संस्कृत का एक शब्द है, प्रतिवादि वारण प्रकटा टोप विपाटन पटिम प्राग्भार प्रख्यात प्रचंड पंच वक्त्राहा। अब ये एक संस्कृत का शब्द है, इसको बोलने से, जो अभी मैं भीलवाड़ा एक गवर्नमेंट कॉलेज के कार्यक्रम में था, वहाँ मुझे बताया गया कि एक मुस्लिम बच्चा जाकिर, उसको जब बोलने में तकलीफ होने लगी, तुतला तुतला के बोलता था, तो उसको स्पीच थेरेपी देने वालों ने कहा तुम संस्कृत बोलो। आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो बच्चों को सजेशन दे रहे हैं कि वो लोग संस्कृत बोलें, क्योंकि संस्कृत बोलने से, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी भारतीय भाषा बोल रहे हैं, संस्कृत नहीं बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं, कोंकण कुछ भी आप बोल रहे हैं, राजस्थानी बोल रहे हैं, मूल सारे शब्द संस्कृत के हैं, इसलिए जब आपको संस्कृत आती है तो आप पूरी भारतीय भाषा में किसी भी भारतीय भाषा का उच्चारण, उसको बोलने में आप बहुत सहूलियत महसूस करते हैं, और यही संस्कृत का अपने आप में एक भाषा विज्ञान है। ये बात आपने बहुत सही कही, और मुझे ध्यान आता है कि अपने विद्यालय के दिनों में हमारी जो संस्कृत की अध्यापिका हुआ करती थी वो संस्कृत का पूरा पाठ पढ़वाती थी किसी न किसी बच्चे से। हम दो तीन बच्चे ऐसे थे, विद्यार्थी ऐसे थे जिन जो थोड़ा पूरा पाठ स्पीड के साथ में, रफ्तार के साथ में पढ़ते थे, और शायद ये कारण होगा कि उच्चारण थोड़ा सा ठीक ठाक रहा, उसके पीछे संस्कृत की भूमिका बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान में जब नई शिक्षा नीति की बात आती है तो कभी जब कहते हैं कि भाई हिंदी को या फिर किसी भी भाषा को पूरे भारत भर की भाषा, किसी न किसी तौर पे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, अटक से लेकर के कटक तक की कोई एक भाषा ऐसी हो जो जनसामान्य हर आदमी बोल सके, वहाँ आज देखते हैं कि हर स्कूल में शास्त्री जी इंग्लिश तो दिखाई देती है, चाहे वो तमिल का विद्यालय हो या जयपुर का हो, चाहे वो कश्मीर का हो या कहीं का भी विद्यालय हो, लेकिन कोई भारतीय भाषा एक नहीं है। या हिंदी, जब हिंदी की बात आती है तो कभी तमिल में परेशानी आती है, कभी किसी और में, लेकिन जब प्रांतों के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रांत नहीं बनाए गए थे तब तक ऐसी दिक्कत नहीं थी। ये उससे बाद में, नीतीश जी मैं आपको थोड़ा सा 70 साल पीछे ले चलना चाहता हूं। 1949 में भारतीय भाषा, किस भारतीय भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, तो इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने सुझाव दिए, किसी ने कहा हिंदी को बनाया जाए, किसी ने क्या कहा, वो एक अपने भाषा, अपनी भूमि, अपने प्रांत को लेकर के उसके प्रति जो आकर्षण होता उसी है के आधार पर उसको लेकर के लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। मैं तीन महापुरुषों के नाम आपको गिनाना चाहता हूँ। एक महापुरुष थे तत्कालीन नेहरू सरकार के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, दूसरे थे तत्कालीन सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर बीवी केसकर, और तीसरे थे मौलाना नजीरुद्दीन जो बंगाल से चुनकर के आते थे। इन तीनों ने मिलकर के यह सुझाव दिया, भाषा जो खोजने वाली भाषा छानबीन या खोजबीन जो समिति थी, कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा इसलिए बना दिया जाए क्योंकि जितनी भी भाषाएँ हैं जो पूरे भारत में बोली जा रही है, एक तो उनका मूल उत्स संस्कृत है, दूसरा उन भाषाओं के अपने अपने प्रांत, गुजराती है तो गुजरात तक खूब बोली जा रही है, मराठी है तो महाराष्ट्र तक खूब बोली जा रही है, यदि कोंकणी बोली जा रही है तो अपने क्षेत्र में बोली जा रही है, लेकिन उनका ये मंतव्य था कि कश्मीर से लेकर के समुद्र तक और गुजरात से लेकर के बिल्कुल पूर्वी भारत तक, बंगाल तक, यदि कोई भाषा पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ती है जिससे भारत का भाषाई आधार पर विभाजन नहीं हो, वह एकमात्र भाषा है संस्कृत। मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जब उनकी बात को नहीं माना गया तो उन्होंने 22-25 अन्य सांसदों के हस्ताक्षर करवा करके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया। हालांकि उस समय वो निर्णय नहीं हो पाया, तथापि उसकी पूर्ति करने के लिए 1956 में प्रथम संस्कृत आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे सुनीति कुमार चटर्जी, जो कि देश के सुख्यात भाषा शास्त्री थे, और उसी के सुझाव पर भाषाई तौर के ऊपर भारत सरकार ने सबसे पहले संस्कृत कॉलेज और संस्कृत विद्यालय खोले। यह आपको जान के आनंद होगा कि भारत सरकार के भाषाई आधार पर केवल संस्कृत के ही विश्वविद्यालय हैं। बहुत बाद में हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय खोला गया है, तो संस्कृत को सरकार की तरफ से और संस्कृत को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास
किए गए हैं, हालांकि वो और होने चाहिए जैसा हम संस्कृत वालों की मांग रहती है। शास्त्री जी, गलती कहाँ हुई? कहीं तो कुछ ऐसा पॉइंट आया होगा जिस जहाँ हमें ये लगना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने इसके लिए इतने प्रयत्न किए, और आज खासतौर पर जब ये कहा जाता है, इतनी बड़ी बात कही जाती है कि अगर अभी भी एक बयान आया था कि कंप्यूटर के लिए आगामी जनरेशन के लिए, बिकॉज हम लोग थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, ऐसे जनरेशन की कंप्यूटर जब आने वाले हैं और उनके लिए सबसे बेहतरीन भाषा अगर कोई है, सबसे उपयुक्त भाषा है, तो वो संस्कृत है, और उसमें नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं कर पाएंगे, परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जिनकी बात होती है, तो कुछ तो बात होगी। निधि जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कमी एक जगह हुई। भाषा को जब रोजगार से जोड़ दिया जाता है, जैसे आज हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अंग्रेजी और हिंदी में हमको रोजगार उपलब्ध है। अभी निधि जी, जैसा आप ही कह रहे थे कि संस्कृत के पास रोजगारों की एक भाषागत एक अभाव है, और वो अभाव इसलिए है कि जहां जहां संस्कृत रोजगार दे रही थी, बहुत दुखद आश्चर्य की बात है, वो सब संस्कृत से बहुत दूरी बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए ज्योतिष, ज्योतिष मूल संस्कृत का विषय है, लेकिन ज्योतिषी के लिए संस्कृत आना जरूरी नहीं है। आज आप सर्वे करके देखिए भारत के कितने ज्योतिषियों को संस्कृत आती है, नहीं आती। कर्मकांड संस्कृत का विषय है, लेकिन संस्कृत नहीं आती। योग पूरा संस्कृत का विषय है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ योगाचार्यों की, जो योग टीचर सिखा रहे हैं, संस्कृत से उनका कहीं कोई दूर तक संबंध नहीं है। आयुर्वेद, अब तो इतनी मुश्किल हो गई है कि आयुर्वेद जो उनके मूल ग्रंथ चरक सुश्रुत के वाग्भट के ग्रंथ संस्कृत में है, वे सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि संस्कृत जहां जहां रोजगार दे पा रही थी, उन सबसे संस्कृत को दूर किया गया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, सत्यम शिवम सुंदरम, ये दूरदर्शन का मोटो वाक्य है। बिल्कुल, आप देखिए दूरदर्शन प्रतिदिन 6:55 पर प्रातः संस्कृत में समाचार प्रसारित कर रहा है, तो संस्कृत से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप केवल शिक्षक ही नहीं बन रहे हैं, आप केवल कर्मकांड और ज्योतिष से नहीं जुड़े हुए हैं, आपके लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन भी आपको रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। संस्कृत के कार्यक्रम अक्षरा का प्रसारण दूरदर्शन राजस्थान कर रहा है महीने में 2 बार। उसी तरह से आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संस्कृत के 2 न्यूज़ बुलेटिन को प्रतिदिन प्रसारित कर रहा है, 6:55 पर, शाम को 6:55 पर। तो ऐसा नहीं है संस्कृत के पास रोजगार नहीं है, संस्कृत के पास अनुवाद के रोजगार। मैं एक नई जानकारी दर्शकों को देना चाह रहा हूं, अभी टोरंटो में बोर्ड ने 10वीं क्लास में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य किया है। वो इसीलिए किया है कि जो शब्द बोलने में नहीं हो पा रहे हैं, जो विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद जिनको 2006 में यूनेस्को ने घोषित किया, उनको नहीं पढ़ पा रहे बच्चे, उनको पढ़े। तो संस्कृत से यदि रोजगार को जोड़ दिया जाता है तो वो बहुत बढ़िया रहने उसको लेकर के यदि सरकार और समाज दोनों नीति बनाते हैं तो संस्कृत का पर्याप्त अर्थ भाषा जो है वो अर्थ की भाषा भी बननी चाहिए, और वो होता है तो काम बड़ा अच्छा होता है। हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे शास्त्री जी भारत के शिखर की, क्योंकि जब कश्यप ऋषि की धरती की बात आती है तो कश्मीर की बात आती है, और कश्मीर की बात आती है तो वहां पर आज भी जो जिले हैं जिन्हें श्रीनगर कहते हैं, तो नाम से ही आता है, श्री का नगर है, अनंतनाग है, तो फिर वो शेषनाग के तरीके से सीधा सीधा समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कश्यप ऋषि की धरती यानी कि संस्कृत की धरती है, और इस्लाम के आने से पहले वहां पर संस्कृत का बहुत डंका बजा करता था। जब आपने महाराजा करण सिंह की बात की, महाराजा हरि सिंह और उसके पीछे बहुत सारे पुरखे वहां पर थे, तो लेकिन ऐसा कुछ क्या रहा कि इतने बड़े ऐसे हमारे राज्य में संस्कृत का उस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और वो सब कुछ इधर से उधर हो गया? अविभाजित भारत के लिए कहा जाता है, जैसा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से प्राप्त होता है, कि शिक्षा के जो सर्वोत्तम केंद्र थे, एक तो था तक्षशिला जो अभी ठेठ अफगानिस्तान के पास चला गया, नालंदा बिहार में स्थित है, दक्षिण भारत में कुछ केंद्र थे विजयवाड़ा इत्यादि, वाराणसी केंद्र था, लेकिन इन सबसे प्राचीन जो संस्कृत विद्या पढ़ने का केंद्र था, पूरा शारदायाः स्थानमेव आसीत् अस्माकं कश्मीर प्रांतः, शारदा देश कहा जाता था कश्मीर को, शारदा लिपि जैसे हम देवनागरी लिपि लिख रहे हैं, शारदा पीठ की बात होती वो भी वही, वो कश्मीर में था, वो वही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या कोई भी भारतीय नागरिक जिस बात को कहकर के अपने विश्व बंधुत्व को दर्शाते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल पूरे संसार मानते हैं, उसके लिए आपको पता हो निधि जी, हम लोग एक वाक्य बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये कितनी अल्पज्ञात जानकारी है, कि इस श्लोक का निर्माण 730 से 801 ईस्वी के बीच में संस्कृत के महान कवि जो राजा जयापीड विनयादित्य के अंतर्गत उनकी सभा को सुशोभित करते थे, उद्भट नाम के कवि ने कश्मीर में इस वाक्य की रचना की। मैं पूरा श्लोक आपको सुना देता हूं, आपको आनंद आएगा। आप सुनिए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम पुंसा मुदार चित्तानाम वसुधैव कुटुंबकम,
वसुधैव कुटुंबकम का नाद करने वाली धरती कश्मीर की धरती है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम जैसा वाक्य दिया। अब इस श्लोक में थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन करके लोग इसको अपने हिसाब से कहते हैं कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तीन पादों से भले छेड़छाड़ हुई हो, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम हम जब कहते हैं तो पूरे विश्व को पता लगता है कि ये भारत का वाक्य है। ये भारत का वाक्य भारत के पास कहाँ से आया? कश्मीर से आया। और आप देखिए, आपको मजेदार बात और बताता हूँ मैं। मम्मट जिन्होंने साहित्य के इतने बड़े विद्वान थे, इतने धुरंधर क्षेमेंद्र नाट्य शास्त्र के इतने बड़े विद्वान वहां हुए। आप देखिए कलहण बिलहण जलहण, इतने बड़े बड़े पंडित कश्मीर की भूमि में हुए हैं जिन्होंने। और आपको जान के हैरत होगा कि उद्भट नाम के कवि के लिए राज तरंगिणी में जो कश्मीर में लिखा हुआ एक कल्लण ने लिखा है, कल्लण ने लिखा, कल्लण वहां लिखते हैं कि महाराज जयापीड़ ने पूरे भारत आर्यावर्त के विद्वानों को बुला करके कश्मीर में इकट्ठा कर लिया। उसे क्या हुआ? शेष भारत में अकाल पड़ गया पंडितों का, अर्थात सातवीं आठवीं शताब्दी में सारे विद्वान, चाहे वो वेद के हों, चाहे व्याकरण शास्त्र के हों, चाहे वो दर्शन शास्त्र के हों, वो किसी के भी हों, कश्मीर शैव दर्शन तो पनपा ही कश्मीर में, उसका नाम ही आज तक कश्मीर शैव दर्शन। तो इस तरह से मैं ये मानता हूं कि पिछले 1400-1500 वर्षों में जो बहुत बड़ा उपकार लिटरेचर के ऊपर, संस्कृत पर नहीं, भारत के पूरे साहित्य के ऊपर जो बहुत बड़ा उपकार हुआ वो कश्मीर की भूमि से हुआ। कश्मीर में ऐसे ऐसे दामोदर गुप्त बड़े बड़े पंडित विद्वान हुए जिनके ग्रंथ हम पढ़कर के आज भी भयंकर आप्यायित सम्मोहित होते हैं, रोमांचित होते हैं कि कैसे कैसे इतने बड़े बड़े पंडित हो गए। तो वो जो उद्भट कवि का वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा करने वाला जो हमारा मुकुटमणि प्रांत कश्मीर है, जिसे शारदा स्थान ही कहा जाता है, शारदा देश कहा जाता है, वह कश्मीर संस्कृत को समृद्ध करने वाली सर्वाधिक अनुपम भूमि रही है, यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है। ठीक बात है, शारदा देश की बात में आपने कही, आपने मुकुटमणि की बात कही, आपने राजतरंगिणी कल्हड़ की बात कही, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, ये सारी बातें अपनी जगह बहुत सुनने में ही भी अच्छी लगती है और साथ साथ में समझना भी हम लोगों को चाहिए। और साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि जब कुछ लोग इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, उसे पीछे धकेलने की बात करते हैं, तो किसी न किसी कहीं मन के किसी कोने में डर होता है कि अगर ये संस्कृत उठ गई, अगर ये देवभाषा उठ गई और भारत की जनमानस के मन में फिर से बैठ गई, तो भारत को वाकई में वापस में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो डर है, इस डर को उनके अंदर किस तरीके से, हमारे अंदर से कैसे निकाला जाए, वो हमारे अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि संस्कृत के विकास में जो पंडितों की भूमिका रही, राजाओं की भूमिका रही, सभासदों की भूमिका रही, लोक कवियों की भूमिका रही। देखिए कश्मीर की अभी बात चल रही थी, एक बहुत बड़े पंडित तो कश्मीर में ही हुए और उन्होंने ऐतिहासिक ऐसा ग्रंथ हमको दिया जो कश्मीर की भूमिका वरदान है, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा कश्मीर के थे, कश्मीर में ही पंचतंत्र लिखा गया। वरना बताइए, हम बच्चों को बाल कथाओं की शुरुआत कश्मीर से होती है, यदि कश्मीर नहीं होता तो पंचतंत्र नहीं होता। सही बात। इससे भी जोरदार बात यह है कि कालांतर में जब इस्लाम के लोग आए, मुसलमानों ने भी संस्कृत के योगदान में अनुपम भूमिका का निर्वहन किया। आपको जान के हैरत होगा कि अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनको हम रहीम दास जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने संस्कृत में 3 ग्रंथ लिखे। खेट कौतुकम उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। मुंबई में रहने वाले गुलाम दस्तगीर जी संस्कृत में गजल लिखते हैं। ऐसे कई विद्वान हैं जिन्होंने काम किया। ईसाइयों ने ख्रीष्टु सहस्र नाम स्तोत्रम, ईसाइयों ने भी संस्कृत में भरपूर काम किया। लेकिन संस्कृत के जहाँ तक विरोध की बात है, मैं समझता हूँ कि उनकी समस्या संस्कृत नहीं है, संस्कृत का विरोध करने वालों की समस्या कुछ और है। वो उसके मुखोटा संस्कृत को बनाकर संस्कृत विरोध की राजनीति करना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस देश में, खासकर भारत देश में, संस्कृत का विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संस्कृत के पढ़ने से, संस्कृत को बढ़ाने से भारत का उत्कर्ष होगा, भारत के चरित्र का उत्कर्ष होगा, भारत की परंपरा का, और भारत का विश्व में उत्कर्ष होगा। और इस उत्कर्ष के लिए संस्कृत का होना बेहद जरूरी है। ये जो बात आती है शास्त्री जी की, उत्कर्ष तो हम लोग बिल्कुल करके रहेंगे, और डेफिनेटली ये बात आती भी है कि जो धारा 370 अभी जम्मू कश्मीर से हटी है, क्या आपको इसके बारे में लगता है कि संस्कृत की रेचाएं वहां पर फिर से गूंजेंगी? और इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारी अपनी गलती जो कहीं रही होगी, शायद उसे हमें हटाना चाहिए। क्या एक संस्कृत को किसी एक जब विशेष जाति से जोड़ दिया जाता है कि भाई ये इनका काम है, तो वो प्रत्येक लगता है कि भाई ये तो इनका काम है, ये हमें नहीं पढ़ना, हमें तो दूसरा पढ़ना है। तो ये भी एक मैं इस बात को बिल्कुल ही बहुत विनम्रता से असहमति व्यक्त करता हूँ कि संस्कृत में किसी जाति वर्ग या धर्म का अधिकार है, होना भी नहीं चाहिए। संस्कृत वास्तव में सबकी है। और मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 30 वर्षों से
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि भारत सरकार का केंद्र है, उसका एक परिसर जम्मू में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो संस्कृत के जम्मू कश्मीर में पहले से ही पढ़ाई जा रही है, लेकिन इतना बड़ा काम जो देश में अभी हुआ है उसको लेकर के यदि कश्मीर में और संस्कृत के केंद्र खुलते हैं तो कश्मीर वासियों को भी उसका स्वागत सम्मान करना चाहिए और संस्कृत को वहाँ फैलाना चाहिए, उससे विश्व बंधुत्व की और विश्व गुरुत्व की दोनों ही प्राप्ति हम लोग पुनः कर पाएंगे और संस्कृत के माध्यम से देश फिर से एक श्रृंखलाबद्ध होकर के मजबूत होकर के विश्व में अपने नाम को अपने स्थान को फिर से प्राप्त कर पाएगा। मैं उस मुखौटे की बात करना चाहूँगा, हमारे पास में थोड़ा सा समय रह गया है लेकिन वो मुझे लगता है कि वो एक ज़रूरी बात है, पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा जिसमें जहाँ पर दास प्रथा भी आई, जहाँ से रंगभेद भी था और बहुत सारी परेशानियाँ थी, ये सब परेशानी संस्कृत में नहीं थी बिल्कुल किसी तौर पर, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसे कौन से कारण, जिस मुखौटे की बात आप कर रहे हैं कि संस्कृत का नाम लेकर के उसका मुखौटा बना करके पीछे कुछ और बात हो रही है, वो पीछे क्या बात है जिसे हमें समझना चाहिए? ये नासमझी जो हुई या धर्मगत जो उन्मत्तता आई होगी, जो बाहर के लोग आए जिन्होंने हमले किए, यदि उनमें जिस तरह की कट्टरता थी उस कट्टरता को जब उन लोगों ने ट्रांसमिट करने की कोशिश करी तो संस्कृत का नुकसान हुआ, संस्कृत का नुकसान हुआ तो संस्कृति का नुकसान हुआ, संस्कृति का नुकसान हुआ तो एक साहित्य का नुकसान हुआ, परंपरा का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई अब कितने दिन में हो पाती है ये देखना बाकी है। इसलिए मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ संस्कृत अब कश्मीर में तो लगभग न के बराबर है, कश्मीर विश्वविद्यालय में अवश्य संस्कृत विभाग है, हालांकि वहाँ संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन वो बढ़ेगी और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से संस्कृत के नए दिन फिरेंगे और संस्कृत का पठन पाठन का, संस्कृत को लेकर के बोलने का, कहने का, चिंतन का नज़ारा फिर से देखने को मिलेगा, एक माहौल बनेगा, एक अच्छा माहौल बनेगा, इसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और संस्कृत दिवस के माध्यम से वहाँ भी संस्कृत दिवस मनाया जाए, हम लोगों की संस्कृत से जुड़े सारे शिक्षकों की, छात्रों की, विद्यार्थियों की एक इच्छा है, ये निश्चित रूप से पूरी होगी और इसी की परिणति के रूप में संस्कृत जल्दी ही कश्मीर में फैले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ में हुई। भारत में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां पर आज भी पूरी तरीके से जो भाषा का माध्यम है वो संस्कृत है, वो संस्कृत में अपने अपनों से बात करते हैं और बाहर वालों से भी बात करते हैं, वो संस्कृत के गाँव, राजस्थान में भी एक गाँव इस तरीके का है जहाँ पर पूरी तरीके से संस्कृत में बात इस तरीके से होती है, और भारत भर में तो कुछ कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ऐसे, कर्नाटक में जी। अभी बस ये है कि ये जो गाँव है वो केवल गांव नहीं रहे, क्योंकि हम लोग सुनते तो हैं कि भारत गांवों में बसता है, ये अलग बात है कि गांवों में से जो भारत है वो निकलता जा रहा है और वो शहरों में विस्थापित होता जा रहा है, शहरों में आता जा रहा है, पलायन हो रहा है, ये बात कहें, लेकिन संस्कृत का पलायन यहां से कहीं नहीं होना चाहिए, संस्कृत जाए पूरे विश्व भर में जाए, लेकिन सबसे पहले संस्कृत हमारे हृदयागम हो, यहां पर संस्कृत बसे, और यहां पर संस्कृत बसेगा तो हमारी संस्कृति बसेगी, संस्कृति बसेगी तो भारतीय संस्कृति का उन्नयन होगा, और उन्नयन होगा तो भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। शास्त्री जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पधारने के लिए। जयतु संस्कृतम। नमस्कार।